सही रकम एक्टा। आज हमको गुड बाई करने का टाइम आ गया है। भैया का होमस्टे में हम रुके थे, एकदम है भाई सूबेदार साहब है, और जय हिंद भारत माता की जय। और ये उनका असिस्टेंट है, ये भी हमको बहुत बढ़िया तरीके से खिलाया, और ये मस्ट रिकमेंडेड प्लेस है, यहाँ पे ज़रूर आइए, सब लोग आइए। ये मतलब इसका डिस्क्रिप्शन, थोड़ा रूट का डिस्क्रिप्शन थोड़ा बताइए, कहाँ से आ सकते हैं, नज़दीक कहाँ से? यहाँ से तो भैया कालिम्पोंग से भी आ सकते हैं, कालिम्पोंग से आ सकते हैं, एकदम कालिम्पोंग से सीधा यहाँ पे आ सकते हैं गाड़ी लेके, अलगिरा से यहाँ आ सकते हैं, एकदम अलगिरा से बहुत नज़दीक है ये। टोटल डिस्टेंस होगा 19 किलोमीटर तक, कालिम्पोंग से 19 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ये जो है होम स्टे का पूरा नाम जी इको रिसोर्ट। तो ये मस्ट रिकमेंडेड प्लेस है, सब लोग आइए। अंकल का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और यहाँ का गूगल लोकेशन मैंने ले लिया है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। तो प्लीज़ आइए, यहाँ पे विज़िट कीजिए, यहाँ का खाना बढ़िया है, हॉस्पिटलिटी बढ़िया है। अभी हमारा नया डेस्टिनेशन जो है वो हमारा गाड़ी रेडी है वहाँ पे। तो नया जो डेस्टिनेशन है वो चारकोल की तरफ है, भाया लावा लोलेगा और ऋषभ होते हुए। तो अभी हम लावा लोलेगा और ऋषभ होते हुए वहाँ पे जाएंगे, और वहाँ पे आज रात का स्टे है, कल रात का स्टे है, परसों हम निकल जाएंगे वहाँ से। तो यहाँ का जो व्यू है काफ़ी बढ़िया है, देखिए ऊपर पूरा क्लाउड भरा हुआ है, और ये जो किचन गार्डन मैं सुबह दिखाया था, और यहाँ पे पूरा फॉरेस्ट एरिया, एकदम फॉरेस्ट के बीचों बीच में ये वाला होम स्टे है। कम से कम 500-350 किलोमीटर नीचे, हाँ 2.5 से 3 किलोमीटर, 2.5 से 3 से हमको तो लगता है 5 किलोमीटर नीचे है, ठीक है, क्योंकि ऐसा एस करके गोल गोल घूम के फिर आए हैं हम लोग। और ठंडा यहाँ पे मतलब मॉडरेट है, 10-15 डिग्री से आसपास अभी, मतलब सुबह बहुत ठंडा था। अच्छा थैंक यू। तो छोटा सा ट्रेक है ये, पारस भैया हमारे दूसरे गाड़ी का ड्राइवर कम गाइड, ये भी हमको गाइड करते हैं। इनका गाड़ी का नंबर है WB78-7028। इनका गाड़ी आप NGP से हायर कर सकते हैं, इनका गाड़ी आप काशियांग कालिम्पोंग किसी भी जगह से हायर कर सकते हैं, और स्पेशली कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट के बारे में उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि वो यहाँ का, वो यहीं पे रहते हैं, सही ना? तो कल रात को पार्टी कैसा था? मज़ा आए, ये सब बड़े लोगों के लिए, ये अमित भैया के लिए, ये पारस भैया के लिए, और वो लखन भैया के लिए, और ये भास्कर दा के लिए। लेकिन ये जो बन रहा है ये प्योर ऑर्गेनिक है और नॉन अल्कोहलिक है, मेरे लिए एकदम बढ़िया, ठीक है। तो नया डेस्टिनेशन में मिलते हैं। सो राइट नाउ वी आर इन ऋषभ व्यू पॉइंट। और यहाँ पे गाड़ी पार्क हुआ है, ये जो सफेद गुरास है ना, सफेद गुरास, ये है सफेद गुरास, ये पूरा पेड़ सफेद गुरास से भरा पड़ा है। यहाँ पे बहुत सारा जो पेड़ है वो सफेद गुरास से भरा पड़ा है, लाली गुरास का भी बहुत सारा मतलब पेड़ देखा। इस साइड कौन सा है, ये साइड कैसी की मैं, इस साइड सिक्किम पड़ता है ये वाला साइड, लेकिन एज यूजुअल हम और क्लाउड हमारे परछाई है, समझ लीजिए। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वी आर नॉट एबल टू सी द सिक्किम। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ, वेदर ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा क्लाउडी भी नहीं है, मतलब टेम्परेचर ठीक ठाक है, ज़्यादा हॉट भी नहीं है और ज़्यादा कोल्ड भी नहीं है।
अभी हम लावा पे आ गए हैं और वो जो सामने दिख रहा है वो है लावा का मॉनेस्ट्री, ये वाला हिस्सा है। और हमको यहाँ से होते हुए नीचे से होते हुए ऐसा 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 घूम के वहाँ पहुँचना है। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा और क्लाउड तो आप देख ही रहे, हमारा पीछा छोड़ता ही नहीं, मेरे को इधर उधर ढूंढता रहा और मैं उसको पीछे पीछे घूमता रहा, छोड़ता ही नहीं, छोड़ता ही नहीं। और ये एक देखिए एकदम पूरा पाइन ट्री का पेड़ है। लावा हम पहले भी दो बार आ चुके हैं, बहुत अच्छा जगह है और ठंडा भी काफ़ी है यहाँ पे, ठंडा काफ़ी होता है, बेसिकली लावा पे बहुत ठंडा होता है। और यहाँ का नज़ारा बहुत ही बढ़िया, ये सब आई लव लावा। और ये है सुजोत्ना आ गए है, कोई क्वेश्चंस मत पूछना, ओके आई विल नॉट आस्क यू एनी क्वेश्चन। ये देखिए आई लव लावा का जो है, ये सब मतलब क्यों करते हैं, मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि जो अनटच ब्यूटी है तो होता है ना वही सबसे बढ़िया लगता है। ये सब आर्टिफिशियल ब्यूटी जो है ना, सब आई लव लावा आई लव मेरी के सब हमको अच्छा नहीं लगता, बस फोटो खींचने के लिए काफ़ी है। लेकिन और ये देखिए एक बढ़िया सा पेंटिंग यहाँ पे किया गया है, इसको देखिए ज़रा सा, बढ़िया जिसने भी बनाया है बढ़िया बनाया है, जिसने भी बनाया बढ़िया बने हैं सच में। तो यहाँ से हम चलेंगे गुम्फा दारा की ओर, वहाँ पे मिलते हैं।